हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हुलुलु, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडाट्री मेकर। दोस्तों, देख सकते हैं ये मेरे पीछे साइड में एक फ्लोर का इलेक्ट्रिकल रूम। मैं इसको थोड़ा बैक कैमरा कर देता हूँ। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिकल रूम है और इसका सीलिंग का हमको ट्रे ऐसे राउंड शेप में घुमाना है। ओके, इसका मेजरमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कुछ वॉल से ऐसे 200 छोड़ के ट्रे लेने वाला है, इसे करके पूरा राउंड होने वाला है। इसका मेजरमेंट मैं किस तरीके से करता हूँ, अगर आपको ये प्रोसीजर अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कीजिए और अच्छा से आपका भी काम आसान से और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आप भी ये काम कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने लाइन डोरी ऐसे मार लिया। लाइन डोरी मारने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर रॉड भी लगा लिया है। ओके, ये जो आउटसाइड लाइन डोरी से वो साइड का पूरा आउटसाइड लाइन डोरी हमको मेजरमेंट कुछ 2580 था। ओके, 2580 था। मैंने इसमें से 20 mm माइनस करके डायरेक्ट ट्रे का मेजरमेंट ले लिया। ओके, और कुछ इस डिज़ाइन से ये आने वाला है। ये वो जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट के अंदर एक राइजिंग मैन है, इसके अंदर केबल आने वाला है। तो ये एक लिंक है और ये एक सेंटर है जो कि इसका ए ट्रे से आने वाला है। ओके, और यहाँ पर एक बेंड लगा दिया, यहाँ पर एक टी जो कि आउटसाइड को जाएगा, जो कि फ्लोर के अंदर में जाने वाला है। यहाँ पर भी एक जाने वाला है। इसका मेजरमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर 2580 था। मैं 20 mm माइनस किया क्योंकि लाइन डोरी का मार्किंग जिधर आएगा हम उससे 10 mm कमी किया। ए साइड 10 mm, ए साइड भी 10 mm, तो 10 mm माइनस करने के बाद 20 mm हो जाता है। 20 mm माइनस करने के बाद 2560 होता है। इसके हिसाब से हमको पूरा और इसमें से बैंड और टी का माइनस करने के बाद बाकी सभी कैसे कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा लाइट को ले आता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रिकल रूम। मैंने डोर का इधर दे दिया सिंबल, ये थर्ड फ्लोर लिख लिया, ये फ्लोर का थर्ड फ्लोर है। ओके, तो ये जो टी है हमको ये जगह से हमको 530 होता है। ओके, 530, ए साइड भी 530, 2560 सेप, ये 530, ये 530, 1060 होता है। 1060 माइनस करने के बाद ये होता है 1500। ओके, ठीक है। उसी तरह ये साइड भी ऐसा है, 1130 से ये माइनस करना पड़ा, ये जो टी का ये हिस्सा, ये टी का ये हिस्सा माइनस करना पड़ा। करने के बाद ये बचता है इतना, ये 535 होता है, ये साइड 535 होता है क्योंकि टी का वन साइड ऐसा 530 होता है, ऐसा 535 होता है। वही हिसाब से एग्जैक्ट मेजरमेंट करके हमको माइनस करना पड़ता है। तो ए साइड ट्रे का हमको मेजरमेंट मिल गया 1060 mm। ओके, और यहाँ पर सेंटर में हमको एक टी आया तो हम एक साइड मेजरमेंट जस्ट ये मार्किंग से हम ये साइड का मेजरमेंट ले लिया था। ओके, ये 1200 यहाँ पर हो रहा था, 1200 से मेरे को ये टी क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक 700 होता है, तो 700 से ये जगह मेरे को कितना होता है, तो ये 200 होता है, 200 बाकी इधर बचा कितना, 500 बचा। ये 500 प्लस ये 530 माइनस करने के बाद 1200 से और 170 बचता है। तो ये ट्री का पीस जो हमको मेजरमेंट मिल गया, ठीक है। उसी तरह ये टोटल कितना है, 2110, ये 530 है, ये 530, ये भी 530 है। तो 530 माइनस करने के बाद 170 माइनस करना, प्लस 700 भी माइनस करना, उसके बाद 170 निकलता है। कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं जो कि हमको बहुत आसान होता है। नहीं तो हम पहले क्या करते थे, मार्किंग करके उधर का आईटी क्रॉड वगैरह लगा देते हैं। चैनल लगाने के बाद वो जो मेजरमेंट लिया जाता है वो थोड़ा
लंबे प्रोसीजर होता है और काम थोड़ा लेट होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आदमी लोग कुछ लगा दिया ये सभी काम करने के लिए और मैं भी वो ये सभी काम करने के लिए लगा दिया। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये ट्रे का भी कटिंग चल रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर रेडी कर देगा तो वो थोड़ा फटाफट काम भी हो जाता है। कुछ इस तरीके से हम बनाते, हमको बहुत अच्छा भी आसान से हम ये काम कर लेते हैं। ये सभी मेजरमेंट होके कटिंग हो गया है, इसको खाली ये बैंड टी के साथ लिंक करना है। ये लिंक करके हम आपको दिखाते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट ड्राइंग के साथ बराबर होता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये 1500 का सेंटर पीस है। तो हम 1500 का ये वाला पीस ही यहाँ पर मेजरमेंट करके बताते हैं आपको। यहाँ पर देखो 1500 जस्ट टच 1500 हो गया। तो ये टोटल कितना होता है यहाँ पर चेक करेंगे 2560। ओके, तो यहाँ से हमको चेक करना पड़ेगा। ये हो रहा है, लेकिन हमको बॉटम लेना था। ये बॉटम देख सकते हैं इधर 20mm निकला हुआ है। ओके, ये 20mm वो साइड 20mm 20mm हो जाएगा तो वो हो जाता है 2560। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा काम जो है कि कंप्लीट, नीचे का काम हम ख़त्म कर लिया। और यहाँ पर एक शाफ्ट को जाएगा, ये भी शाफ्ट को, ये आउटसाइड जाने वाला है, ये भी आउटसाइड जाने वाला है, जो कि फ्लोर को हम प्रैक्टिकल में भी सेम उसी डिज़ाइन का कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। अगर आपका मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। फिर मिलेंगे और एक नए टेक्निक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।